मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज से आप लोगों को ड्राइंग भी कराऊंगी। मैं फोर्थ में आप लोगों को संस्कृत, हिंदी और ड्राइंग तीनों पढ़ा रही हूं। तो ठीक है, तो आज हम लोग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट में? डिज़ाइन कलरिंग, इसको क्या करना है? कलर करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं, कलर दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन विद द थ्री डिफरेंट कलर एज सोन। मतलब कि ब्यूटीफुल कलर करना है, इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन में क्या करना है? कलर करना है, और भी कितने कलर से? तीन अलग अलग कलर से। लीव सम वाइट स्पेस ऑन द एड्स विल कलरिंग एनी पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। और क्या करना है, कुछ जब कलर करेंगे तो उस टाइम हमें साइड की जगहों को थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, वाइट छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ कैसे। देखो, हम ये मैंने पेंसिल कलर का ही यूज़ करोगे तो ही साइड में अच्छे से जगह छूट पाएगी, या फिर आप लोगों के पास स्केच कलर हो तो उसका यूज़ करना। ये मैंने येलो कलर लिया है और येलो कलर करेंगे हम। मैं बताती हूँ कैसे। ओके, इस टाइप से हमें ये कलर करना है। साइड साइड में हमें साइड की जगहों को थोड़ा छोड़ देना है, फिर हमें ये कलर करना है। वैसे ही सब जगह करना है। स्टेप से इस टाइप से पहले आप अगर आउटलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे, और फिर अंदर आप इसके कलर कर दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से आपको सब में क्या करना है, थोड़ी थोड़ी वाइट जगह छोड़नी है साइड में बिल्कुल, और बीच में उस शेप में कलर करना है, एक शेप बना के इस टाइप से। बिल्कुल ध्यान रखना है कलर फैले ना और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस टाइप से अच्छे से हमें इस डिज़ाइन में कलर कर लेना है। ओके, और कहीं पे भी वाइट जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो वाइट वाइट स्क्रैच सा दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एकदम सफाई से इसमें कलर करना है। अब अगले डिज़ाइन में कौन सा कलर है, इसमें कौन सा कलर है? रेड, तो हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। ये मैंने लिया रेड कलर। अब इसमें भी सेम क्या करना है, पहले हम आउटलाइन कर लेंगे। ठीक है, कि हमें कितना स्पेस साइड में छोड़ना है खाली। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखो, फिर ऐसे अंदर भरेंगे तो ये कलर बाहर नहीं निकलेगा और ज़्यादा फैलेगा नहीं। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैंने पूरा कलर कर दिया इसमें, और एक भी वाइट जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, बस साइड साइड में जैसे आउटलाइन बताया था पहले आप लोगों को, वो करना है उसके बाद फिर। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा क्लियर। अब अगला कौन सा है? ग्रीन कलर, तो हम डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। ये डार्क ग्रीन कलर, इसका यूज़ करेंगे, और सबसे पहले इस क्या करेंगे, आउटलाइन करेंगे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, पूरे में पहले आउटलाइन। इस टाइप से पूरे में आउटलाइन कर लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अंदर कलर भरेंगे, स्टार्ट करते हैं।
पूरे में इस टाइप से कलर कर लेना है और वाइट जगह नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, बराबर कलर करना है, ठीक है। और साइड साइड में पहले आउटलाइन करना है तभी कलर करना स्टार्ट करना है, वरना कलर बाहर निकलेगा, ठीक है। पूरा हो गया, ये डिज़ाइन को पूरा कर दिया। और यहाँ पे आप लोगों को डेट डालना है आज का, ठीक है। और मैं आप लोग की ये कॉपी जब मंगवाऊंगी जिस डेट को, उस डेट को आपको ये कॉपी लेकर स्कूल में चेक कराने के लिए लेकर आना होगा, ठीक है। और ये ड्राइंग बड़े सफाई से करना है आप लोगों को, जिस तरीके से मैंने किया है। ओके, थैंक यू।